सात माह हो गए तनख्वाह नहीं मिली, बाबडा वाले जो मीटर काट गए हैं, उधार पैसे लेके दिए हैं, घर में राशन नहीं है। ये जो इतने क्लर्क आपने रखे हुए हैं, इतनी एस्टेब्लिशमेंट रखी है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ मेरा कसूर यह है कि मैंने मेरिट के लिए आवाज उठाई थी, सेमेस्टर एनुअल सिस्टम के मेरिट के लिए आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से पहले मुझे चार मेरी पोस्टिंगें चेंज कर दी गई, चार जगह तबादला किया गया, मुझे एजुकेशन से रिजाइन देने पे मजबूर किया गया। फिर जब मैं वापस आया हूं, ना मुझे वहां से तनख्वाह मिल रही है, ना मुझे यहां से तनख्वाह मिल रही है। ये जितने भी आपने सेक्रेटरी लगाए हैं, नायल लगाए हुए हैं, ये जितने भी आपके वीसीज हैं, डीसीज हैं, ईडीओज हैं, आप वजीर आला साहब, आप खुद आप अपने डॉक्यूमेंट इस पॉलिसी के तहत, एजुकेटर की पॉलिसी के तहत जमा करवाएं। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर भी सिलेक्ट हो जाएं, जिस मेरिट की आप बात करते हैं, पॉलिसीज की आप बात करते हैं, तो मुझे चुबुर्जी पर लटका दीजिएगा। ये आपका ढोंग है सारा मेरिट का। आप मेरे साथ मुनाजरा करें, आप अपनी टीम तश्कील दें। सो कार्ड वजीर आला साहब, आपके सेक्रेटरी की मेरे पास 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जो खुद मान रहा है कि ये जो पॉलिसीज है ये सारी की सारी गलत है, ये सारी की सारी पॉलिसीज गलत है। उसने खुद एडमिट किया कि वो भी अप्लाई करे तो प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं हो सकता। हर दफा आप अपने रिश्तेदारों के लिए पॉलिसी चेंज करते हैं, जिन लाखों करोड़ों बच्चों ने एनुअल सिस्टम के तहत जो भी डिग्रीज हासिल की हैं, वो एनटीएस का टेस्ट भी पास करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके वालदैन ने अपने बच्चों के पेट काट कर उनको किया हुआ है, और वो इस बेरोजगारी की वजह से, इस नाइंसाफी की वजह से तंग आकर जराइम पेशा अनासर के अंदर वो शामिल हो रहे हैं, मनफी सरगर्मियों में हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और ये दहशतगर्द बन रहे हैं, खुदकश बम्बार बन रहे हैं। सिर्फ आपकी ये नाकिस पॉलिसीज की वजह से आप एक पैनल बनाए, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, एमफिल किया हुआ है मैंने, बाकी मेरी डिग्रीज है, एमए इंग्लिश है, एमए टफल है, एजुकेशन है, बीएड्स है, एमएड्स है, मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाता रहा हूं, हमेशा इनाम लिया है मैंने, मेरा अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है। लेकिन जब आप किसी को सात माह तनख्वाह नहीं देंगे, ये मेरे मासूम बच्चे हैं, इधर आओ बेटा, आ जाओ इधर, ये इधर आओ, ये बच्चे हैं जिनको, जिनका दूध बंद कर दिया गया है, घर में खाने को कोई चीज नहीं है, वो बेटा नाइन्थ में है, इधर आओ बेटा, ट्यूशन वालों ने ट्यूशन से हटा दिया है, ये घर बैठे हुए बच्चे, पेपर है बच्चों के। खादमे आला साहब, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, बड़े खादमे आला बने फिरते हो आप, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे आप खादमे आला बने फिरते हो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्हों के जमाने में कहा गया कि अगर एक कुत्ता भी दजला के किनारे मर जाता तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, और यहां पर मैं अकेला नहीं हूं, हजारों की तादाद में वो एजुकेटर्स हैं जिनको तनख्वाही नहीं मिली छह छह सात सात माह से, इतसाल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर पंजाब पुलिस की सारी भर्ती मैट्रिक बेस पे है, साइंस और आर्ट्स की बेस पे है, वायलेंस वालों के बच्चों का इतसाल आप कर रहे हैं, उनके लिए आप एफएससी डीए आईसीएस, आपने उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ड्राइवर के लिए भी वही है। एक आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है, तड़प तड़प कर मर जाता है, तड़प तड़प कर मर जाता है, अब वो दरख्वास्त देता है अपने इलाज के लिए, आप उसका इलाज नहीं कराते, आपने उसका बहबूद फंड काटते हैं, पता नहीं कितने फंड काटते हैं, इन टाइम उसको पैसे नहीं मिलते, लेकिन जब वो बंदा मर जाता है, उसकी बेवा को अगले दिन आप 50,000 रुपए देने के लिए आ जाते हैं, उस मैयत की बेहरमती करते हैं, उस बेवा की बेहरमती करते हैं। मेरा एक साथी है, दो दवा डायलिसिस कराता है हफ्ते में, 7-8 माह हो गए हैं, लिखकर भेजा हुआ है, अभी तक जवाब नहीं आया, डेली ड्यूटी भी करता है, सब कुछ करता है। जब मर जाएगा खादमे आला साहब, आप और आपके आईजी साहब और आपके लाइन अफसर साहब, आपके ये जो तुगरल जमीर साहब है, ये 50,000 रुपए देने के लिए आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लेंगे। अभी मुझे कुछ हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, 50,000 देने के लिए आ जाते हैं। अगर वो जो वाकया हुआ ना लाहौर के अंदर डीआईजी साहब का, मुझे भी इस बात का अफसोस है, लेकिन जब कोई अफसर मरता है, वजीर आला, वजीर आजम, आर्मी चीफ, हर बंदा उसके घर जाकर उसको दलासे देता है, लेकिन जब एक आम कांस्टेबल मरता है या उसके घर के मसाइल होते हैं, जो अपनी जाने देते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, और उनकी कोई दाद रसाई नहीं है, उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है।
और जो आदमी भी हक सच की बात कर ले, खादिम आला साहब, वजीर आला पंजाब साहब, नवाज शरीफ साहब, आप उस पर एक इल्जाम लगा देते हैं कि ये पीटीआई का बंदा है। आपके एक मिनिस्टर इकबाल चन्नट से हक सच की बात की, बलीगौर रहमान से बात की, मुझे एजुकेशन में इतना जलील किया गया, मेरे एक महीने में 4 तबादले किए गए, मैंने सेक्रेटरी को दिखाए, उल्टा उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना केस वापस कर ले या रिजाइन दे। मैं अकेला सबके लिए अगर बात कर रहा हूं तो मैं हक सच की बात कर रहा हूं, आप इंक्वायरी बिठाएं, अगर मैं गलत साबित होता हूं मुझे चुबुर्जी पे लटका दें आप। इंसाफ करें, इंसाफ करें, क्यामत वाले दिन ये पुलिस मुलाजमीन की बेवाओं और जो महरूमीन हैं उनके गिरेबान, उनके हाथ आपके गिरेवानों पर होंगे। मुश्ताक सफेरा साहब खास तौर पे आपके गिरेवान पर होंगे जो वायरस के मुलाजमीन के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें आप, अगर इस दुनिया में अच्छा काम कर जाएंगे अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा, वरना आप देनदार होंगे। आप मुल्क में दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं और जितने भी केसेस हैं आप उसमें देख लें, सारे पढ़े लिखे नौजवान जो उनसे है ना दहशतगर्दी में मुलविस हैं आपकी इन पॉलिसीज की वजह से। अभी भी जो एनटीए आपकी एजुकेटर्स की भर्ती हो रही है वहां रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि सालाना इम्तिहान के साथ क्या होता है, या आप उस सिस्टम ही को बंद कर दें, एनुअल के निजाम को बंद कर दें। आखिर में सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, और मैं कुछ नहीं कहता, बस इंसाफ करो, अदल की जगह पे रब ने आपको बिठाया है। अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो आप जहां इतने लोग मरते हैं आपने भी मरना है। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, अगर आपने इंसाफ ना किया मैं तो मर ही जाऊंगा, बच्चे भी मेरे यतीम हो जाएंगे। वजीर आला साहब, मुश्ताक सफेरा साहब, मैं जहां तक मुझसे हो सका मैं आप तक रिसाई करूंगा, मैं पागल नहीं हूं, मैं आपको हिट करूंगा सिर्फ आपकी नाइंसाफी की वजह से। मेरी एलपीसी, वो ये कहते हैं एलपीसी है, मैंने मंगवानी थी, तनख्वाहें मैंने बनानी थी, ड्यूटी 24 घंटे लेते हैं ये, पूरे पंजाब से वायरलेस सेट गायब है, हजारों सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है, बैटरी नहीं है, सेट नकारा 1998 से सेट है। आप कहते हैं मेट्रो पे पैसे लगा रहे हैं, ओरिएंटेबल पे पैसे लगा रहे हैं, मेरा एक ऑफिसर था उसको इन्होंने शोकाज दिया, उसको इतना जलील किया, तारिक अजीज जो मॉडल टाउन वाकये में कातिल है उसने, वो बेचारा अस्पताल में तड़प तड़प के मर गया, किसी ने उसकी दाद रसाई नहीं की, पूरे पंजाब में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं ये सारी पहले मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन दी है, ऑफिसरान को दी है, कोर्ट में गया हूं, हर जगह पे गया हूं, ऐसे नहीं मैं इस हालत तक पहुंचा कि मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, हर किस्म का मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, रिटर्न हर चीज है। बाकी अल्लाह ताला आपको इस्लाह की तौफीक दे और महकमे पे आप रहम करें, आपके भी बच्चे हैं, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम आपको सलूट करेंगे, हम आपको आपके बारे में अच्छी दुआएं देंगे। अगर आप ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मुल्क आप सरबराह है, हम झोली उठाकर हम आपको बदवाएं भी देंगे और आपके साथ सब कुछ करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर।